आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि ग्लोबल रेटिंग्स एजेंसी मूडीज ने इंडिया की सॉवरेन रेटिंग अपग्रेड कर दी है। काफी सालों से गवर्नमेंट की पहल रही है, वो रेटिंग एजेंसी से मिलते रहे हैं, उनको बताते आए हैं कि कितना अच्छे काम किया है सरकार ने, कितने रिफॉर्म्स लेके आए हैं, और फाइनली रेटिंग एजेंसीज ने इस काम पर एक मोहर लगाई है। हमारे साथ SBI के चीफ इकोनॉमिस्ट सौम्य कांति घोष अभी जुड़ रहे हैं। सौम्य, जी बिजनेस से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब यहां से क्या होगा, आपको लगते है दूसरी रेटिंग एजेंसीज भी अपग्रेड करेंगी जब गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स ऑलरेडी 7% हो गई है? आपको लगता है अब तो कोई भी ऐसा रीजन नहीं है कि बॉन्ड्स की एपेटाइट इंप्रूव ना हो? आपको लगता है इक्विटी इनफ्लोज फॉरेन इन्वेस्टर से भी बढ़ेंगे यहां से? नो, आई थिंक ये जो डेवलपमेंट है ये काफी पॉजिटिव है। इसके लिए पहले असर तो होगा आपको फाइनेंशियल मार्केट में होगा, इक्विटी इंक्लूडिंग द इक्विटी मार्केट, द करेंसी मार्केट एंड द बॉन्ड मार्केट। इक्विटी मार्केट में आज आप जरूर देखेंगे काफी उस पर छलन आएंगी, और बॉन्ड डील जो अभी कल 7-10 तक गया था उसके बाद शायद उसके नीचे बंद हो, आज बॉन्ड डील में भी काफी रैली हो सकते हैं। और दूसरा चीज है कि जो कैपिटल इनफ्लो जो इस साल ऑलरेडी 29 बिलियन हो चुका है तो उसमें भी काफी हद तक ऐसे मेंटेन होगा, उसके लिए करेंसी के ऊपर थोड़ा सा एप्रिशिएटिंग प्रेशर होगा। और मुझे लगता है कि ये अभी जो नीम किया इज वेरी पॉजिटिव एंड इसको सारे मिला के मुझे लगता है कि फ्यूचर में मोर गुड न्यूज कैन कम फ्रॉम द अदर रेटिंग एजेंसीज इंक्लूडिंग ऑल्सो मूडीज। ठीक है मिस्टर घोष, पहले तो शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। आपकी बात हम जब सुनते हैं ना तो हमारी सारी क्लैरिटी हो जाती है, कंफ्यूजन हमारी थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि आप बिल्कुल सीधी सीधी बात रखते हैं। सर, एक सीधा सवाल मेरा और भी है, इससे आपसे ही मैं पूछना चाहूंगा ये कि रेटिंग्स का इम्प्रूवमेंट, ये एक निवेशक इसको कैसे देखे, ये निवेशक के लिए किस तरह से है? ये बाजार के साथ जुड़ा हुआ निवेशक है, ये जो कामकाजी निवेशक है या कामकार करता है, एक व्यापारी है, ये इस रेटिंग को कैसे देखे? देखिए, इसमें एक सबसे बड़ा चीज है कि इंडिया का जो अगर आप बहुत सारे बात होते हैं इंडिया का फिस्कल के लिए, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये इंडिया का फिस्कल सिचुएशन उतना भी खराब नहीं है, क्योंकि हमने लास्ट 5 साल में काफी अच्छा फिस्कल कंसोलिडेशन किया है। और मुझे लगता है कि समटाइम जो रेटिंग एजेंसी, जो अगर आप इंडिया का 25 ईयर्स का हिस्ट्री देखें 1992 से, एक बार सोवरेन रेटिंग अपग्रेड हुआ है, यही मानता है कि इंडिया ने जो रिफॉर्म्स किया उसके लिए एक रेटिंग अपग्रेड एडिक्वेट है। और ये जो रेटिंग अगर अल्टीमेटली सम पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया का सोवरेन रेटिंग में भी चेंजेस होता है, ये जो आज हुआ है दिस विल गिवन इन्वेस्टर द कॉन्फिडेंस इन द मार्केट की इंडिया इज एन अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। इसमें आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी इन्फ्लुएंस होगा, एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज की बोरोइंग कॉस्ट कम होगा। बोरोइंग कॉस्ट कम होने से सीधा आपको फिजिकल डेफिसिट के ऊपर इम्पैक्ट होगा, और सारे क्रेडेंशियल भी उसमें विल लुक पॉजिटिव। तो सारे तरफ चलते, अगर आप सारे जो ट्वाइन डेफिसिट चलते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, बोरोइंग कॉस्ट, एक्सचेंज रेट, इक्विटी मार्केट, अगर ये सारे के ऊपर पॉजिटिव डेवलपमेंट होते हैं तो ऑब्वियसली जो इंडिया को जो डेस्टिनेशन है इन टर्म्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, दैट विल गो अप सेवरल नॉचेस। अच्छा सौम्या, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहता था, अब इस तरह की जब रेटिंग आती है, रिफॉर्म्स पे मोहर लग जाती है, तो क्या ब्याज दरें और सस्ती होंगी? क्या ये भी ऐसा सरकार कुछ इस तरह के रिफॉर्म्स पे भी और आगे बढ़ेगी जो बैंकों के साथ मिलके किया जा सकता? नहीं, ब्याज दर तो ऐसे ही कम हो रहा है, क्योंकि जो ब्याज दर का और एक इम्पोर्टेंट डिटरमिनेंट है कि आपको जो ये जो यील्ड है बॉन्ड यील्ड, अगर उसमें कम होगा तो ब्याज दर के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। और अभी बैंक के पास अभी भी लिक्विडिटी है, तो ये तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन ये जो डेवलपमेंट हुआ इसके लिए ये आपने जो बोल रहे हैं ये थोड़ा सा और ज्यादा फैसिलिटेट हो सकते हैं। ठीक है सौम्या, आप बात कर रहे थे फॉरेन इनफ्लोज की, आपने कहा 29 बिलियन डॉलर्स इनफ्लो ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर रेटिंग अपग्रेड हो जाती है जो हो गई है, इससे आपने कुछ अनुमान लगाया है कि कितना और इजाफा हो सकता है इनफ्लोज पे, और ये क्या लॉन्ग टर्म FDI फ्लोज ही है कि आप FPI फ्लोज में भी बड़ा मूव देख सकते हैं? नहीं, FDI, ये आपको मैंने जो बोल रहा हूँ पोर्टफोलियो कैपिटल इनफ्लोज बोल रहा हूँ, FDI फ्लोज भी इस साल काफी अच्छा हुआ है, जो अभी रन रेट चल रहा है वो अराउंड 3 to 4 billion पर मंथ, तो ये बोलना मुश्किल है, लेकिन ये तो जरूर है कि इसमें कैपिटल इनफ्लोज में काफी अच्छा आपका दाम पा सकते हैं। कितना आएगा बोलना मुश्किल है, लेकिन आज अगर आप मार्केट में देखेंगे आज ही आप इसके पता चलेंगे हाउ द फॉरेन इन्वेस्टर्स टेकिंग दिस डेवलपमेंट।
सौम्या, एक बहुत छोटा सा सवाल, आपके एक्सपीरियंस से ज्यादा जुड़ा हुआ है बजाय मूडीज की रेटिंग से, आपका एक्सपीरियंस अब क्या कहता है, सरकार और कौन से रिफॉर्म्स पे तेजी से काम करेगी इस तरह की अप्रूवल और ऑडिट के बाद जो मूडीज ने करके दिया? नहीं देखिए, आप ही एक ही रिजोल्यूशन था वो बैंकिंग सेक्टर का जो रिजोल्यूशन ऑफ बैड एसेट्स है, वही आई थिंक सबसे बड़ा डेवलपमेंट। अगर वो एंड दैट इज अ प्रोसेस विच इज ऑलरेडी कंटिन्यूइंग, तो अगर वो कंटिन्यू होता है, अगर रिजोल्यूशन हो जाता है एसेट्स का, मान लीजिए कि अगले साल तक हम काफी हद तक देखते हैं कि रिजोल्यूशन हो जाते हैं, वो काफी अच्छा अगले, क्योंकि ये जो रेटिंग जो डेवलपमेंट होते हैं ये अक्टूबर नवंबर महीने में होता है, तो आज से अगर एक साल बाद अगले अक्टूबर तक अगर हमने देख लेते हैं कि काफी तरह से रिजोल्यूशन हो गया है, तो हो सकता है कि हमको और कोई अच्छा न्यूज मिल जाए एक साल बाद। तो दिस प्रोसेस हैज टू कंटिन्यू। ठीक है मिस्टर घोष, शुक्रिया फिर से जी बिजनेस को समय देने के लिए, सबसे पहले समय देने के लिए भी शुक्रिया, और सबको आसान भाषा में हमको समझाने के लिए, इसके लिए एक और शुक्रिया आपका आज जी बिजनेस को समय देने के लिए। खैर, ये बात बिल्कुल तय है कि निवेशकों का भरोसा बढ़ जाएगा, ये दिख भी रहा आपको लेवल्स में, एसजेक्स निफ्टी भी आपको दिखा रहा है, और ये बात भी तय है कि सरकार शायद रिफॉर्म्स में और गति लेके आए, जो सिर्फ 2019 के चुनाव तक नहीं बल्कि भारत की तस्वीर और इकोनॉमी की बदलते हुए तस्वीर की भी दिखती है, तो ये अहम चीज होगी इसमें। साक्षी बत्रा इस बीच में साथ जुड़ चुकी है। मूडीज की रिपोर्ट तो आई, लेकिन कुछ और रिपोर्ट्स भी आई हैं, वो अलग अलग शेयर्स पर हैं। साक्षी बताएं वो रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। दिव्य, बिल्कुल, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि सरकार का जो रिफॉर्म्स की गति है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, और इसी को देखते हुए कई और ब्रोकर्स ने भी इसी तरीके की रिपोर्ट्स निकाली है। हमने कल ही एक बड़ी खबर देखी, खासतौर पर इंडियन रियल एस्टेट स्पेस में, जब सरकार ने यहाँ पर कार्पेट एरिया को इंक्रीज करके इंटरेस्ट सब्सिडी को बढ़ाया है। जेपी मॉर्गन ने इस पर रियल एस्टेट सेक्टर पर एक रिपोर्ट जारी की है। उनका मानना है कि जो कार्पेट एरिया इंक्रीज हुआ है, जिससे इंटरेस्ट सब्सिडी को काफी पॉजिटिव लिया जा रहा है, इस पूरी खबर को कंज्यूमर डिमांड यहाँ से बढ़ती हुई नजर आएगी। कुछ प्रोजेक्ट सेल्स में इमीडिएटली ये एक्टिविटी देखने को मिलेगी, स्पेशली अगर आप मेट्रोज की बात करें और टीयर वन सिटीज की बात करें। कुछ की बेनिफिशियरीज उन्होंने नाम लिए हैं रियल एस्टेट स्पेस से, प्रेस्टीज एस्टेट, शोभा, गोदरेज प्रॉपर्टीज, इनको सबसे ज्यादा फायदा होगा। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए भी काफी बड़ा कदम है, और सीमेंट कंपनियों में भी आप अच्छा इजाफा देख सकते हैं, इनके लिए भी काफी पॉजिटिव खबर है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर सीएलएस ने देखा जाए तो मॉडल पोर्टफोलियो अपना चेंज किया है, इसमें डालमिया भारत और भारतीय एयरटेल को इंक्लूड किया है और एसीसी को हटाया है। ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हमें व्यूअर्स को देनी है। अशोक लेलैंड पर जेपी मॉर्गन की जो रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल रेटिंग दी है, 113 का लक्ष्य है। उनका मानना है जो एफसी में हिस्सा खरीद है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। कंपनी की वैल्यूएशन 4800 करोड़ तक के आसपास देखने को मिल रही है। ओएनजीसी की अगर बात करें तो सीएलएस ने अगेन एक यहां पर रिपोर्ट जारी की है, खरीदारी की सलाह के साथ 225 के टारगेट्स दिए हैं। दुनिया भर में सबसे सस्ती ईएनपी कंपनी है और इसकी वजह से वो काफी पॉजिटिव है इस पर। अनसर्टेनिटीज इस पूरे सेक्टर के लिए जो है वो बिहाइंड अस है, ऐसा सीएलएस का मानना है, और ओएनजीसी लगातार प्रोडक्शन ग्रोथ में डिलीवर भी कर रही है। जस्ट डायल पर एक रिपोर्ट आई है नोम्यूरा की, खरीदारी की सलाह के साथ लक्ष्य को ऊपर की तरफ रिवाइज किया है, 635 के नए टारगेट्स दिए हैं। FY20 तक ईपीएस में या फिर रेवेन्यू फ्रंट पर दोनों में ही अच्छा इजाफा देखने को मिल सकता है, और स्टेबल रियलाइजेशंस भी है कंपनी की, लगातार ट्रैफिक ग्रोथ भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। आखिरी रिपोर्ट एनटीपीसी पर है, डॉश बैंक की यहां पर रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह दी है, 215 के टारगेट्स दिए हैं, सेकेंड हाफ में 20% तक की ग्रोथ प्रॉफिट फ्रंट पर देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये कुछ एक रिपोर्ट्स हैं, उसके साथ कुछ शेयर्स भी जुड़े हुए हैं जिस पे आज असर देखने को मिल सकता है। अब तीन मेहमान मेरे साथ हैं, मूडीज की रिपोर्ट तो हमने समझ ली, ग्लोबल आंकड़े भी देख लिए, काफी सारे खबरों वाले शेयर, ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी हैं। अब आज के मेहमानों की, आज के उनके फेवरेट शेयर कौन से हैं वो जानना शुरू कर रहे हैं। हेमंत ठुकराल भी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत, शुक्रिया आपका भी आज समय देने के लिए। सिमी है टेक्निकली हमको बता रहे हैं शेयर्स, और मेरे से हम फंडामेंटल आउटलुक भी ले रहे हैं। सिमी, आज आपका एक फेवरेट शेयर, एक ऐसा शेयर जो अपने क्लाइंट्स को आप दे चुके हैं, आपका कोई क्लाइंट नहीं भी है तो उसको भी पता लगना चाहिए आप इस पे आज ट्रेड करने वाले हैं, वो एक शेयर बता दीजिए, बस एक ही। डिम्पी, मुझे टोरेंट पावर बहुत अच्छा लग रहा है, कल एक अच्छी लेवल से ये रिकवर किया है और मुझे लगता है कि इसमें आज भी मोमेंटम मेंटेन होना चाहिए। ओवरऑल मेरा 269 का टारगेट है, स्टॉप लॉस मैंने 257 के नीचे लगाने के लिए मैं सजेस्ट कर रही हूँ। 260-61 के आसपास ओपन होगा तो वहाँ पे खरीदना है, और 266-269 ये दो टारगेट्स होगा अपसाइड पर। ठीक है, टोरेंट पावर हमको मिला है आज सिमी की तरफ से। हेमंत, शुक्रिया आपका भी समय देने के लिए। सर, कुछ डेरिवेटिव्स की कॉल्स मैं जानूंगा, लेकिन आज मार्केट में ट्रेड कैसे करें? सर, गैप के साथ खुलने वाला है तो उसके बाद कुछ ऑप्शंस के जरिए उतर आए या फिर सीधा फ्यूचर्स को भी रख सकते हैं सर आज?
देखिए देखिए रिम्पी, मेरे ख्याल से मार्केट ने सबसे अच्छा काम क्या किया है कि 110-120 को होल्ड करके इट हैज रिस्पेक्टेड द रेंज, और वो रेंज का अपसाइड है 10-500। तो आपको कोई भी गैप अप हो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पोजीशन हैज टू बी ऑन द लॉन्ग साइड। आपको अल्टीमेटली 10-450-10-400 के टारगेट देखने को मिलेंगे, वो हो सकता है 2 दिन में मिले या 3 दिन में, बट वो रेंज दोबारा वहां पे टेस्ट होगा ही होगा। और इसमें एक इनकरेजिंग साइन मैं और आपको बता सकता हूं कि अगर 25700 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करने लग जाए तो देन बैंक निफ्टी कैन रेस वेरी फास्ट टू 26200। ओके, तो दैट विल बी अ वेरी इनकरेजिंग साइन। तो मुझे ऐसे लगता है कि गैप अप भी हो तो भी हमें लॉन्ग पोजीशंस ही अटेम्प्ट करनी चाहिए। हाँ, आप पहले 10-15 मिनट रुक सकते हैं, देखिए सस्टेन कितना करता है, बट एनी डिप वी हैव टू बी ऑन द बाइंग साइड फॉर अ टारगेट ऑफ 10400। ठीक है, तो बैंक निफ्टी एंड निफ्टी बोथ आज गैप के साथ खुलेंगे, लेकिन उसके बाद ट्रेड कैसे करना है ये आपको हिम्मत ने बता ही दिया कि कैसे आपको सावधानी के साथ आज ट्रेड करने की जरूरत बन जाती है। मयूरेश, एडलवाइज फाइनेंशियल, पेट्रोनेट एलएनजी और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, इन तीनों में एक फैक्टर कॉमन है कि इनकी एफपीआई यानी कि फॉरेन निवेशकों की जो सीमा है वो बढ़ा दी गई है। ये तीनों शेयर्स पे आज पॉजिटिव असर देखते हैं आप इस खबर के चलते? बिल्कुल, आई थिंक थोड़ी सेंटिमेंट बिल्कुल पॉजिटिव रहेगी, और जैसे आई थिंक अंडरलाइन फैक्टर्स आई थिंक तीनों स्टॉक्स के लिए आई थिंक काफी बेहतर हो गए हैं मैक्रो एंड माइक्रो एनवायरमेंट्स, तो कहना कि यस आई थिंक एक पॉजिटिव आउटलुक। यहाँ पे अहम चीजें हमको ये समझ में आई कि आज मूडीज की रेटिंग से बाजार बड़े गैप के साथ खुल रहा है, वैसे भी अंतरराष्ट्रीय संकेत हमारे फेवर में ही थे, लेकिन उसके बाद ट्रेड कैसे करना है, पर्टिकुलर शेयर कौन कौन से हैं, ये भी आपको लगातार हमारे एनालिस्ट आपको बता रहे हैं और कुछ रिसर्च के हमारे जो सहयोगी हैं वो भी आपके सामने रख रहे हैं। कुछ एक दो शेयर मैं और डिस्कस करना चाहता हूँ, खासकर लीकर कंपनीज को लेकर। यूनाइटेड स्पिरिट्स पे आपका व्यू क्या है हेमंत, आज इस पे क्या करना चाहिए? कल लीकर कंपनीज काफी जोरदार चल रही थी, यूनाइटेड स्पिरिट्स पे आपका व्यू चाहिए सर? देखिए डिम्पी, मेरे हिसाब से अगेन स्टॉक ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया 3000 के ऊपर, और अब वो 3000 के नीचे जाने को तैयार नहीं है, विच ऑलवेज गिव्स यू अ साइन कि स्टॉक इज हेडिंग फॉर न्यू हाईज। तो यस, इमीडिएट टारगेट मुझे 3170 का लग रहा है, बट मुझे ऐसे लगता है कि इट विल ब्रीच दैट एंड इट हैज अ मच हायर टारगेट टूवर्ड्स 3300। एंड अगर आप अभी भी लॉन्ग करते हैं तो स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 3030-3050। ये जो जोन है मुझे नहीं लगता अब यूनाइटेड स्पिरिट्स शुड गिव अवे इजीली। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं वॉच करने के लिए, और हम सुपर फास्ट फ्यूचर्स में हमेशा यही कोशिश करते हैं कि हर एक दिन आपको वायदा से फायदा जरूर मिले। आगे चल के कुछ और भी ऐसे स्टॉक्स हैं कैश मार्केट में जिन पे आज नजर बनी रहेगी, स्पेशली अफोर्डेबल हाउसिंग रिलेटेड स्टॉक्स। सिमी, रियल एस्टेट में आपके कोई टॉप पिक्स आज के लिए? मुझे लगता है कि डीएलएफ को वॉच करना चाहिए, डीएलएफ अगर 200 के रेंज को होल्ड करने कर सकता है तो मुझे लगता है कि वापस 215 से 220 का रेंज इसको इसमें देखने को मिलेगा। डीएलएफ मेरा टॉप पिक होगा एटलीस्ट फॉर 1-2 डेज। ठीक है, डीएलएफ पे ध्यान रखा जा सकता है। सिंटेक्स प्लास्टिक पे सिमी आपका व्यू क्या है, क्योंकि पिछले 7 दिन से प्रमोटर्स ने काफी अच्छी बाइंग की है, ये करीब 50 लाख शेयर उनकी तरफ से खरीदे हैं, इक्विटी करीब 0.5% बनती है, आज चलेगा सिंटेक्स प्लास्टिक? डिम्पी चलना तो चाहिए, एकदम मतलब लोअर साइड पर आ चुका है और मुझे लगता है कि खरीदारी करने से तो अच्छा है, पर चार्ट में थोड़ा सा वीकनेस है। अगर आज खरीदारी देखने को मिलता है और जैसे मार्केट आज ऊपर में है, अगर वैसा सहारा इसको मिल गया और ये स्टॉक धीरे धीरे अगर 85 का रेंज क्रॉस करके क्लोज कर सकता है तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा बहुत चाल अपसाइड में देखने को मिलेगा, क्योंकि लिस्टिंग के बाद तो अच्छा वो मैंने देखा है कि अच्छा डाउन ट्रेंड में था, तो अभी 85 का रेंज एक पहला पड़ाव होगा जो इसको क्रॉस करना पड़ेगा, 85 के ऊपर ही कोई अच्छा ट्रेंड मिल सकता है इसमें लॉन्ग साइड पर। ठीक है, खैर आज का दिन बहुत बेहतर है और ये दिन इस तरह से भी बेहतर है कि ना केवल आज ही आपको मूडीज की रिपोर्ट के बारे में जानकारी, बल्कि कई दिन पहले ही जब वित्त मंत्री अरुण जेटली एक्सक्लूसिव जी बिजनेस के साथ जुड़े थे, उन्होंने भी कहा था कि पिछली तिमाही में जीएसटी का थोड़ा बहुत असर था, लेकिन आने वाले दिनों में जीएसटी सुधरेगा और भी देश की तस्वीर भी बदलेगा, यही मूडीज ने भी नोट किया है। तो पहले जरा वित्त मंत्री को सुनिए जो कुछ दिन पहले ये कह रहे थे जी बिजनेस के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कि जीएसटी का फायदा देश को मिलेगा जरूर। पिछले क्वार्टर में
जीएसटी का एक इम्पैक्ट था। वो इम्पैक्ट इसलिए था कि अगर आप रिजल्ट्स देखें तो सर्विस सेक्टर 8.7% ग्रो किया, इसका मतलब खरीदारी चल रही थी, लोगों के पास पैसा था। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग 1.3% था कि उन्होंने नई पैदावार बंद कर दी थी और पुराने स्टॉक्स जो थे उसको निकाल रहे थे जीएसटी की, जिसको डिस्टॉकिंग कहते हैं, ये डिस्टॉकिंग का असर था। लेकिन उसके बाद जितने संकेत आए हैं पिछले दो महीनों के, पीएमआई एक संकेत होता है सर्विसेज का और मैन्युफैक्चरिंग का, आईआईपी एक संकेत होता है, कोर सेक्टर ग्रोथ एक संकेत होता है, ऑटो सेल्स एक संकेत होता है, ये संकेत लगभग सभी पॉजिटिव दिशा में आए हैं। इसके नाके में वित्त मंत्री बल्कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार से भी हमने बातचीत की थी। उन्होंने भी यह भरोसा दिलाया था कि भारत की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ है, बढ़ रही है और भी बढ़ेगी। मूडीज ने आज मोहर लगाई। हेलो राजीव जी, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? आपको आवाज आ रही है सर? हेलो राजीव जी, शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। सर आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी मिल रही है सर। शुक्रिया पहले तो जी बिजनेस को बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। राजीव जी, आज जो रेटिंग में सुधार मूडीज ने भांपा है, आपने तो बहुत पहले ही भांप लिया था सर, इसके लिए शुक्रिया। जी बिजनेस को आपने एक बार पहले भी बताया था कि भारत की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ है, विश्वास रखिए। सर आपको बधाई, इसके लिए आप जो काम कर रहे हैं मूडीज इसको रिकॉग्नाइज कर रहा है। सर अब आगे की तस्वीर कैसे रहने वाली है? नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया और आपको भी बधाई, क्योंकि अच्छी खबर है। और वैसे तो ये देखा जाए तो ये देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। मुझे 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 खुशी है कि कम से कम अब इन लोगों ने ये रिकग्नाइज किया है कि कितनी कितना काम यहाँ हो रहा है, किस तरह के रिफॉर्म्स हो रहे हैं। और आगे आने आने दिनों में मुझे लगता है कि मूडीज के बाद और भी रेटिंग एजेंसीज इसमें जरूर इसको अपना अपना क्रेडिट रेटिंग को बढ़ाने की बात करेंगी, सोचेंगी और जल्दी होगा ये। और मुझे और सच में बात ये मुझे पूरा विश्वास है, इतना काम सरकार में आजकल हो रहा है रिफॉर्म्स को लेकर और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वगैरह को लेकर, कि अब हम लोग उस एक नई ट्रेजेक्टरी पे आएंगे जिससे कि हमारी निवेश भी बढ़ता रहेगा और आर्थिक गति भी और तेज होगी। ठीक है मिस्टर कुमार, अभी हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर ने सिंगापुर में भी यही कहा है कि इंडिया की अट्रैक्टिवनेस एज अ डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इम्प्रूव हो रही है। अब आप क्योंकि बहुत सारी इंडियन कंपनीज अब्रॉड भी पैसा उठाती हैं, इस रेटिंग अपग्रेड से आपको लगता है कि इनफ्लोज बहुत बढ़ जाएंगे? सरकार के नेक्स्ट रिफॉर्म्स क्या है? क्या ये लैंड और लेबर रिफॉर्म्स है? सरकार के जो रिफॉर्म्स हैं वो अब एक तो उनका जो लक्ष्य है वो है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और कम इम्प्रूव करते जाना। प्रधानमंत्री ने कहा ही है कि हमारा जो टारगेट है, लक्ष्य है, वो है कि सबसे पहले 50 में भारत को शामिल करना। और दूसरी बड़ी चीज है गवर्नेंस रिफॉर्म्स की बात है कि कैसे हमारी जो पब्लिक डिलीवरी सर्विस है और जो सरकार चीजें मुहैया करती है, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा है या प्राथमिक चिकित्सा है, इसको कैसे आम आदमी तक बेहतर तरीके से पहुंचाया जाए और इसमें कैसे इसकी क्षमता बढ़े और इसकी उसकी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी उसमें बढ़े, तो उस पर बहुत नजर है। मगर और सबसे जरूरी चीज जो है वो जैसे कि बैंक रिकैपिटलाइजेशन के जो जिसका सिग्नल मिला है कि सरकार बहुत बहुत कोशिश कर रही है कि जो निजी निवेश है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, उसको बढ़ावा मिले और उसकी गति और तेज हो। अच्छा राजीव जी, एक चीज मैं आपसे और थोड़ा सा समझना चाहता था, क्या अब ये 2019 के चुनाव, ठीक है लोग टाइमिंग के बारे में जो बोलते होंगे, हम तो खैर आपके साथ ही खड़े हैं कि हाँ देश तरक्की करे, बात सिर्फ इतनी सी है, ये तरक्की सर अब सस्ते ब्याज दरों से और हमको मिलने वाली है, ये तरक्की हमको थोड़े और बैंकिंग के रिफॉर्म से मिलने वाली है, ये हाउसिंग में थोड़ा और काम होगा? देखिए ब्याज दरों की बात वगैरह तो मेरी टिप्पणी करना उचित नहीं है, क्योंकि अब उसके लिए स्टैट्यूटरी मंत्री पॉलिसी कमेटी है वो तय करेगी। मगर ये जरूर बात है कि जो आपने हाउसिंग की बात करी है तो अभी आपने आज ही देखा होगा कि सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत जो कार्पेट एरिया उसको बढ़ावा उसको बढ़ा दिया है और एक एक बहुत अच्छा इंतजाम कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर के बिल्डर्स जो हैं वो कैसे अफोर्डेबल हाउसिंग में शामिल हो सके।
क्योंकि उसका जो टारगेट है 1,20,00,000 अफोर्डेबल हाउसिंग बनाने का अर्बन शहरी इलाकों में, वो बहुत ही बड़ा टारगेट है और उससे ना सिर्फ लोगों को घर मुहैया होंगे मगर आर्थिक गति में भी और तेजी आएगी। और तो इसलिए मुझे लगता है, क्योंकि आपको पता है कि हाउसिंग सेक्टर से करीब 200 और सेक्टर्स पर अच्छा असर पड़ता है, तो मुझे पूरा यकीन है कि इससे जो हमें एक उछाल मिलेगा आर्थिक गति में वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, जो आप इम्प्रूव्ड गवर्नेंस की बात कर रहे थे, जो सरकार का फोकस है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, इसमें आप हमें बता सकते हैं 1-2 चीज़ें, आप डिजिटाइजेशन करेंगे लैंड रिकॉर्ड्स, क्या है आपके फोकस में और जॉब क्रिएशन के लिए क्या स्टेप्स लेंगे? जो लैंड रिकॉर्ड की बात, डिजिटाइजेशन वगैरह शुरू हो गया है और अब जो मॉडल लीजिंग एक्ट बना है हमारे लैंड का, उसको 4 प्रांतों ने तो उसको नया अपना उसी के अनुसार अपना भी एक नया विधेयक पास कर दिया है, बाकी में हम कोशिश कर रहे हैं कि हो, क्योंकि बहुत बड़ी पहल हमको चाहिए अपने कृषि क्षेत्र को मॉडर्नाइज करने की और उसको एक वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी के स्तर पे लाने, उसका स्तर बढ़ाने के लिए, तो उस पर हम लोग नीति आयोग में काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है वो प्रधानमंत्री का जो डबल द इनकम फार्मर्स इनकम की जो बिल है उसमें हम लोग उसके तहत इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और अगर कृषि क्षेत्र का नवीनीकरण और औद्योगीकरण हो जाता है तो हमें बहुत ही फायदा होगा। उसमें सबसे बड़ी चीज ये कि जो हमारी ग्रोथ है तो वो और ज्यादा इंक्लूसिव हो जाएगी। राजीव जी शुक्रिया आज जी बिजनेस को समय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, और उम्मीद करते हैं कि जल्द आपसे फिर से बातचीत होगी और कुछ और रिफॉर्म्स और कुछ और बधाई वाले हिस्से पे हम आपसे जरूर बातचीत करेंगे। सर शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आज थोड़ा सा लेट हो गए होंगे आप भी, कोई बात नहीं, लेकिन एफ एंड ओ की कॉल्स कहीं नहीं जा रही हैं, जल्दी से आपको एफ एंड ओ की कॉल्स आपको बता देते हैं। हेमंत आपके एफ एंड ओ की कॉल्स। देखिए मैं फटाफट 2 मिड कैप्स बता देता हूँ जिसमें मुझे बहुत अच्छा मोमेंटम लग रहा है। एक है मनप्पुरम, मुझे ऐसे लगता है कि जिस तरह से कल ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है स्टॉक में 12%, स्टॉक ने 100 के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया है, या मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 99 का और टारगेट 112 का। और दूसरा जैन इरीगेशन, उसमें भी कल बहुत अच्छा मोमेंटम आया है और 9% ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, यहां मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 102 का और टारगेट सेम रहेगा 112 का। ठीक है, 112 है जैन इरीगेशन, मन्नापुरम फाइनेंस ये भी करीब 111 से 112 तक का टारगेट है, 99 का स्टॉप लॉस यहां पे भी आप रख लें। ये हेमंत की दूसरी कॉल है। हेमंत बैंक ऑफ बड़ौदा की 185 की कॉल भी प्लस करनी है। हाँ जी, मुझे ऐसे लगता है डिम्पी की अभी भी पीएसयू बैंक्स की रैली खत्म नहीं हुई है और कल काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट हमने देखा है ऐड होते हुए बैंक ऑफ इंडिया और सिंडिकेट बैंक में, लेकिन बीओबीबी में थोड़ा ओपन इंटरेस्ट कम ऐड हुआ है, इसलिए मैं कॉल के थ्रू एंटर करने की सलाह दूंगा। ठीक है, तो 185 कॉल 5 से 6 रुपए के बीच में आपको मिले, यहाँ टारगेट हम रखेंगे 9 से 10 रुपए का और स्टॉप लॉस 3 रुपए का। ठीक है, ये कॉल आपको पता लगी है। टॉरेंट पावर सीमी ने हमको ऑलरेडी पहले ही बताया है, टॉरेंट पावर का एक बार आप टारगेट नोट करें 265 होगा, 257 का स्टॉप लॉस है। यूनाइटेड स्पिरिट्स पे चर्चा हुई है, हेमंत ने कहा चलेगा, सिमी भी कह रही है कि चलेगा, 3200 तक का टारगेट उनका है। और एक मारुति की भी कॉल है सिमी मौमिक की, वो कह रही है कि 8250 वाली एक कॉल को आप प्लस कर लेंगे तो ये ज्यादा बेहतर होगा। सुमित बागड़िया की आज की कॉल्स, बजाज फाइनेंस 1840 और साथ ही अरविंदो फार्मा 740, इस पे भी ध्यान रखिए, ये 2 शेयर्स भी हैं आज एफ एंड ओ के, आप इसको एक बार नोट कर लें। टाटा स्टील 690 की कॉल भी है, इस पे भी आपको एक सावधानी के साथ आराम से ट्रेड कीजिएगा। इस सारे के सारे एफ एंड ओ के कॉल्स आज आपका दिन बेहतर कर देंगे।